भारत का चंद्रयान लगातार अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू रहा है। चंद्रयान लगातार चांद की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसी बीच दावा किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में भयंकर रफ्तार से आगे बढ़ रहे चंद्रयान तीन की तस्वीरें आई हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान तीन धरती के चारों तरफ अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाते लगाते चंद्रयान धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा है। अब पृथ्वी के ही चारों तरफ घूम रहे चंद्रयान की तस्वीरों को टेलीस्कोप के जरिए दिखाया गया है। इटली के मेंसियानो में मौजूद वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट ने दावा किया है कि उन्होंने चंद्रयान तीन की कुछ तस्वीरें ली हैं। इन तस्वीरों के साथ एक टाइम लैप्स वीडियो भी बनाया गया है। इन तस्वीरों में दिखाया गया है कि चंद्रयान तीन तेज गति से तारों के बीच निकल रहा है। बताया जा रहा है कि इन तस्वीरों को 15 से 17 जुलाई के बीच लिया गया था। इस प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये तस्वीर उस समय ली गई जिस वक्त चंद्रयान तीन का बूस्टर यानी इंजन या तो बंद था या दूसरी दिशा में था, क्योंकि जिस गति से चंद्रयान तीन आगे बढ़ रहा है, अगर उसका इंजन ऑन होता तो पीछे एक ट्रेल दिखाई देती, ट्रेल यानी आग की एक पूंछ दिखाई देती। लेकिन इस तस्वीर में चंद्रयान के पीछे कोई ट्रेल नहीं है। बहरहाल आप जानते ही हैं कि इसरो का ये तीसरा मून मिशन है। भारत दूसरी बार चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का प्रयास कर रहा है। भारत का चंद्रयान चांद पर ऐसी जगह उतरेगा जहां पर किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश नहीं की है और ना ही किसी देश ने चांद के इस हिस्से पर उतरने की हिम्मत दिखाई है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश बन जाएगा। इसरो दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी होगी जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने चंद्रयान को उतारेगी।